Hello guys, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. I'm Shweta. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं SSC CGL की रीजनिंग पेपर जो कंडक्ट हुआ था 9th of March 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो यहाँ पे देखो, फोर वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन अ सेम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट. सो यहाँ पे क्या गिवन है, ये तो वेट है, डिस्टेंस है, गैलन है एंड वॉल्यूम है. ये क्या हुआ, ये जो तीनों है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, इनकी जो वैल्यू है पूरी वर्ल्ड में जो है सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो है गैलन का जो वैल्यू है वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है, राइट? डिफर करती है, राइट? इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर थ्री जो है सही आंसर हो जाएगा, राइट? तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देखो, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट. सो इस तरह जो है पैटर्न इस तरह चल रही है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है. यहाँ पे देखो 11 का जो स्क्वायर किया है तो हमको कितना आया, यहाँ पे 121 आ गया, राइट? एंड 4 का जो क्यूब किया तो हमको आ गया 64. इन दोनों को माइनस किया तो हमको आ रही है 57, राइट? तो इसी तरह हमने क्या किया, 12 का स्क्वायर किया, 144 आ गया. एंड 5 का जो है हमने क्यूब किया तो हमको 125 आया. इन दोनों को माइनस किया तो हमको आ गया 19. तो यहाँ पे 18 गिवन था और 6 गिवन था. 18 का जो है स्क्वायर किया, 6 का क्यूब किया एंड इन दोनों का माइनस किया तो हमको आ रही है 108, राइट? इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा, राइट? तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. तो यहाँ पे इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज पाउंड इज कोडेड एज सच अ वे, तो क्लीन को ऐसे कोड किया तो मार्कर को कैसे कोड किया जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, राइट? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है. यहाँ पे देखो पाउंड, पाउंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो पी का जो वैल्यू है, आई मीन नंबर है, वो है 16, ओ का नंबर है 15, यू का नंबर है 21, एन का नंबर 14, डी का नंबर 4. इन सब को एडिशन किया तो हमको आ गया 70. बट यहाँ पे तो 106 है, राइट? तो कैसे किया, यहाँ पे दो ओवल्स है, वो है ओ एंड यू, उनका जो नंबर है वो है 15 एंड 21. इन दोनों को प्लस किया तो हमको आ रही है 36. तो यहाँ पे 70 प्लस 36 किया तो हमको आ रही है 106. तो इसी तरह हम मार्कर का भी करते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एम का जो वैल्यू है 13, ए का नंबर 1, के का नंबर 11, ई का नंबर है 5, आर का नंबर है 18. इन सबको प्लस किया तो हमको कितना आ रहा है, 48 आ रहा है. हमने क्या किया, दो ओवल्स है इसमें, ए एंड ई है, ओवल्स है, उनका जो नंबर है 1 एंड 5 है, तो इन दोनों को भी प्लस किया तो 6 आ रहा है. तो हमने क्या किया, 48 प्लस 6 किया तो हमको आ रही है 54, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा हमारा सही आंसर, राइट? तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन. सो यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो चलिए करते हैं इसको. सम ऑफ द डांसर्स जो है वो है राइटर्स, राइट? वो है राइटर्स, ऑल द राइटर्स आर स्टूडेंट्स. यहाँ पे All the writers are students. तो यहाँ पे conclusion में देखो, some students are dancers. तो यहाँ पे connection है तो ये सही हो जाएगा. Some students are writers. यहाँ पे भी है तो ये सही हो जाएगा. No student is a dancer. So यहाँ पे जो है student जो है यहाँ पे dancer है, connection है इन दोनों के बीच में. कभी भी negative आता है यहाँ पे ना, connection भी है तो ये हो गया आपका गलत. Only conclusion 1 and 2 यहाँ पे follow कर रही है एंड यहाँ पे conclusion 1 हो जाएगा आपका सही आंसर, राइट? तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अ राइट आंसर, राइट? तो यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड. तो ये जो फिगर है कहाँ पे एम्बेडेड है, तो हमको यहाँ पे दिख रही है. तो यहाँ पे देखो ये जो है इस टाइप का आ रही है, राइट? इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में ये एम्बेडेड है इस तरह, राइट? ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखो, फोर नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन अ सेम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, सेलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, राइट? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है. यहाँ पे हमने क्या किया, 37 × 7 प्लस 7 किया तो हमको आ गया 266. तो ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे 45 × 7 प्लस 7 किया तो हमको आ गया 322. तो इसी तरह हमने 53
इंटू 7 + 7 किया तो हमको आ गया 378। तो इसी तरह हमने क्या किया, 43 इंटू 7 + 7 किया तो हमको आ गया 308। पर यहाँ पे जो गिवन था वो है 318, राइट। तो यहाँ पे देखो, तो 318 था, हमको आ गया 308। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑड वन आई आउट एंड हो जाएगा हमारा सही आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन एंड वाइज द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स आर इन द गिवन सेट। तो इस तरह जो है ये पैटर्न चल रही है, हमको सेम ढूंढनी है ये ऑप्शन से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे 88 + 60 किया तो हमको कितना आ रहा, 148। हमने 148 डिवाइडेड अपॉन 4 किया तो हमको यहाँ पे बन रही है 37, राइट। तो इसी तरह हमने चेक किया तो 94 + 42 किया तो हमको आ रही है 136। हमने डिवाइडेड बाई 4 किया तो हमको यहाँ पे आ रही है 34, राइट। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। तो यहाँ पे 8th क्वेश्चन में देखो, इफ ए इज सब माइनस बी का इंटू है, सी का एडिशन है, डी का जो है डिविजन है। तो यहाँ पे बी ए बी यहाँ पे जो गिवन है इसकी प्लेस में हमको ये सब कुछ डाल के करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, हमने साइंस रख लिया यहाँ पे, तो चलिए करते हैं। तो हमको पहले बोर्ड मास अप्लाई करके कौन सा करना होता है, ब्रैकेट वाला करना होता है। तो यहाँ पे 35 - 24 किया तो 11 आ गया, 52 डिवाइडेड अपॉन 4 किया तो 13 आ गया, 32 इंटू 4 किया तो 128 एंड 12 इंटू 11 किया तो हमको आ गया 132, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, 128 प्लस 13 किया तो हमको आ गया 141। हमने क्या किया, 141 माइनस 132 किया तो हमको आ गया 9, राइट। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, डी से ई तक जाने के लिए हमने किया +1, जे से एल तक जाने के लिए किया +2, क्यू से टी तक जाने के लिए किया +3 एंड सी से जी तक जाने के लिए हमने किया +4। यहाँ पे जो पैटर्न है इस तरह चल रही है, राइट। तो हमने क्या किया, जी पे जी +1 किया तो 7 + 1 करते तो 8 आ गया, 8 का जो होता है वो है हैच। यहाँ पे पी +2 किया तो 16 + 2 किया तो हमको 18 का आर आ गया। यहाँ पे जेड +3 किया तो यानी सी आ जाएगा 15 + 4 करते तो कितना आता, 19 आ जाता, वो हो जाएगा एस। एंड ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन। यहाँ पे 10th क्वेश्चन में देखो, 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन अ सेम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑल लेटर क्लस्टर, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, टी से वी तक जाने के लिए हमने क्या किया, +2 किया, राइट। सॉरी +2 किया, वी से एक्स तक जाने के लिए +2 हो रही है, जेड एक्स टू जेड जाने के लिए फिर +2 हो रहा है। यहाँ पे देखो, ए से डी तक जाने के लिए +3 कर रहे हैं, डी से जी तक जाने के लिए +3 हो रहा है, जी से जे तक जाने के लिए भी +3 हो रहा है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 में, आर से एस तक जाने के लिए +1, आर से टी तक जाने के लिए, एस से टी तक जाने के लिए भी हमको हो रहा है +1, टी से यू यानी 20 से 21 तक जाने के लिए भी +1 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जे से तक जाने के लिए हमने किया +4 एक बार, एन से क्यू तक जाने के लिए हमने किया +3 एक बार, क्यू से एस तक जाने के लिए +2 किया है। तो यहाँ पे जो पैटर्न चल रही है, +2 का चल रहा है, +3 का चल रहा है, यहाँ पे +1 का चल रहा है, यहाँ पे 4, 3, 2 है, तो ये ऑड वन आउट हो गया, राइट। एंड ऑप्शन नंबर 3 विल बी आर राइट आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नंबर सीरीज है एंड पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इंटू 6 किया, सॉरी 2 इंट
टू इंटू टू किया तो हमको कितना आ जाता, 4 आता, प्लस 2 किया तो हमको कितना आ जाता, 6 आ गया। तो इसी तरह हमने क्या किया, 6 इंटू टू किया तो 12 आ गया हमको, देन हमने क्या किया, प्लस 2 किया तो हमको आ गया 14। तो इसी तरह हमने क्या किया, 14 इंटू टू किया तो 28 आ गया, 28 प्लस 2 किया तो हमको आ गया 30। तो इसी तरह हमने यहाँ तक किया और हमको 126 प्लस 2 किया इंटू 2 किया तो हमको आता है 252, राइट। 252 प्लस 2 करते तो हमको कितना आता, 254 आ जाता है, राइट। तो 254 आ जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हमको यहाँ पे जो गिवन है वो है 250, हमको यहाँ पे 252 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है नॉट बिलोंगिंग है, यानी 250 यहाँ पे बिलोंग नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं 12th क्वेश्चन। सो यहाँ पे मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है मिरर लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी उल्टा है तो ऑप्शन नंबर 3 गलत, आर आ गया तो ये गलत हो गया, यहाँ पे देखो एन जो है ऐसा का ऐसा है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, यहाँ पे देखो क्लोज्ड फिगर में कितने भी ट्राइंगल्स बनते हैं हम क्या करते हैं, इंटू टू करते हैं, और ऐसे टाइप के जो ट्राइंगल दिखते हैं इसमें होते हैं 3 ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टू सा कितना हो रहा है, यहाँ पे 16, और यहाँ पे देखो 3 एंड यहाँ पे 3, राइट। प्लस 6 किया तो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, एंड ऑप्शन नंबर 3 जो है 22 हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, इथोपिया इज़ रिलेटेड टू अफ्रीका इन द सेम वे ब्राज़ील इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इथोपिया जो है अफ्रीका में है, राइट, ब्राज़ील कहाँ पे, साउथ अमेरिका में है, राइट। इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी आर राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं 15th क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर, राइट। तो यहाँ पे 556 से हमको 30 कैसे बन रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया, 5 × 6 किया तो हमको आ गया 30, राइट। तो इसी तरह हमने क्या किया, 7 × 8 किया तो हमको आ रही है कितना, 56, 7 × 8 = 56 होती है, राइट। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, 56, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, 60 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन वन और मोर ऑफ द 3 कॉम्पिटिशन्स, यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं और 60 स्टूडेंट्स ने वन और मोर कॉम्पिटिशन ऑफ द 3 कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, राइट। तो यहाँ पे जो क्विज है क्या है, यहाँ पे क्विज है, एक्सटेम्पोर है, डिबेट है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल ऑफ 22 स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट किया ईदर इन क्विज ओनली और एन एक्सटेम्पोर ओनली, सो क्विज एंड एक्सटेम्पोर में यहाँ पे ओनली 22 बच्चे जो है पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे देखो क्विज एंड एक्सटेम्पोर का हमने मान लिया 22 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, और हमसे क्या बोल रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड ऑल 3 कॉम्पिटिशन्स, 4 बच्चे जो है वहाँ पे ऑल 3 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पे 3 में यहाँ पे हमको 4 लगा दिया हमने यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे टोटल ऑफ 14 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द 2 कॉम्पिटिशन्स ओनली, 14 स्टूडेंट्स टू है ओनली एनी ऑफ द 2 कॉम्पिटिशन्स में ही पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, राइट। तो हमने 14 मान लिया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं हमसे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन डिबेट ओनली, हमसे डिबेट्स का पूछ रहे हैं, ओनली डिबेट का पूछ रहे हैं यहाँ पे, राइट, ओनली डिबेट का जो है हमसे पूछ रहे हैं। हमने कैसे किया, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स जो है 60 हमको यहाँ पे गिवन था, 22 गिवन था, यहाँ पे 14 गिवन था, और यहाँ पे जो है 4 इन सबको प्लस किया तो हमको 40 आ रहा। सो हमने क्या किया, 60 − 40 किया तो हमको जो बन रही है वो है 20, सो राइट 20 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे डिबेट पार्टिसिपेट किया, राइट। ऑप्शन नंबर 3 विल बी आर राइट आंसर यहाँ से। तो 17th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे देखो, वाई से आर तक जाने के लिए हमने किया कितना, -7, आर से एल जाने के लिए हमने किया -6, एल से जी जाने तक -5 किया है। तो यहाँ पे 7, 6, 5 का जो है पैटर्न चल रही है, माइनस चल रही है, तो 5 के बाद आने वाला वो है 4, सो जी यानी 7 − 4 किया तो हमको कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा, 3 का अल्फाबेट क्या होती है, सी होती है, सो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे टेबल, वुडन चेयर
वुडन ऑब्जेक्ट्स एंड चेयर्स इवन है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे देखो वुडन ऑब्जेक्ट्स एंड टेबल्स एंड चेयर इस तरह क्यों नहीं बना बोल के आप सोच सकते हो, बट यहाँ पे क्यों नहीं बना। तो यहाँ पे देखो क्यों नहीं बना बोले तो यहाँ पे जो वुडन ऑब्जेक्ट्स है इस तरह आ गया, टेबल्स इस तरह आ गया एंड चेयर इस तरह आ गया। प्रीवियसली ऐसा क्यों नहीं बना बोले तो जो वुडन ऑब्जेक्ट्स है सारे टेबल्स जो है यहाँ पे वुडन के ही नहीं बने होते, प्लास्टिक के भी बने होते इस, तो ये ओनली फ्यू का है राइट। जो चेयर्स है सारे वुडन का ही नहीं बनते हैं, प्लास्टिक का भी बनते हैं, तो ये ओनली फ्यू का बना है राइट। इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राइट। तो चलिए देखते हैं 19th क्वेश्चन। यहाँ पे फोल्ड किया गया और इस तरह जो है कट किया गया, यहाँ पे जो आया इसका जो है यहाँ पे जो है मिरर इमेज बनाएगा और इन दोनों का जो है यहाँ पे जो है मिरर इमेज बनेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है 3 है तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 राइट। तो इसका जो है यहाँ पे सपोज मिरर लग गया तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन रही है राइट। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मींस हैच इज द पैरेंटल ग्रैंडसन ऑफ पी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 में देखो पी प्लस के है, पी प्लस के मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, यानी पी इज द फादर ऑफ की के राइट। हमने पी को फादर माना है के का राइट। और नेक्स्ट अगेन गिवन है के प्लस डी, यानी के इज़ द फादर ऑफ डी, के इज़ द फादर ऑफ डी भी माना है हमने यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखो डी डिवाइडेड बाय हैच है, डिवाइडेड का मतलब वो ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यानी डी इज़ द सिस्टर ऑफ हैच, डी इज़ द सिस्टर ऑफ हैच हो गया यहाँ से राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हैच इंटू एम है, यहाँ पे इंटू का ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी हैच इज़ द ब्रदर ऑफ एम, हैच जो है ब्रदर हो गया एम का। यहाँ पे क्या है हैच इज़ अ पैरेंटल ग्रैंडसन ऑफ पी, हैच इज़ अ पैरेंटल ग्रैंडसन ऑफ पी कैसे बन रहा है, इनका पापा का पापा है तो ग्रैंडसन ही होता है राइट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो फिगर सीरीज चल रही है तो चलिए करते हैं इसको कैसे करना है। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो सर्कल है ये क्लॉकवाइज में अपने आप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, और क्या हो रहा है एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में चल रही है, एक बार लेफ्ट अगेन राइट। तो यहाँ पे राइट में है तो आ जाएगा आपका कहाँ पे आएगा लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये शेडेड पार्ट जो है एक बार लेफ्ट राइट देन अगेन नीचे आता है एक बार लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बनेगा राइट। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट। तो इस तरह जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से सही आंसर हो जाएगा राइट। तो चलिए देखते हैं 22nd क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो एक क्यूब इज मेड अप द मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट इन द क्यूब सो फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लेटर्स विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड्स। यहाँ पे देखो पहले ऑपोजिट साइड समझते हैं। तो यहाँ पे क्यू का ऑपोजिट हो जाएगा ई, ए का ऑपोजिट यू हो जाएगा, एल का ऑपोजिट जो है बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देखो क्यू एंड यू, क्यू एंड ई गिवन है, तो क्यू ई का ऑपोजिट बन रहा है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा राइट। तो चलिए देखते हैं 23rd क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशन एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ पे ऑडिशन है सिलेक्शन है, तो ऑडिशन होने के बाद क्या होता है सिलेक्शन होती है यहाँ पे, यानी पॉजिटिव बोल रही है, आपका रिजेक्शन भी हो सकता है यहाँ पे। ऑडिशन का मतलब ऑडिशन में पॉजिटिव हो सकती है एक नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो गया सिलेक्शन एंड नेगेटिव हो जाएगा रिजेक्शन राइट। यहाँ पे एग्जामिनेशन है, ये पॉजिटिव हो गया पास हो जाना राइट, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 24th क्वेश्चन। यहाँ पे 24th क्वेश्चन में वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी जैसे हमको इसको रखना है राइट। तो यहाँ पे देखते हैं आर ई तो सभी में है, यहाँ पे आर एंड ई तो सभी में है राइट। आर ई है तो यहाँ पे बाद में देखो यहाँ पे ए दोनों में ए है तो ये पहले आ जाते हैं, तो कौन सा पहला आता है एल है। यहाँ पे जो है 9 एस के बाद 13 है, यहाँ पे जो है 20 है, तो 2 फर्स्ट आता देन 1 आ जाएगा, तो 2 एंड 1 आ जाता। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है एस है, तीनों में एस है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे जो है 5 है, यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे 4 आ जाता देन आ जाएगा आपका 3 देन आ जाएगा आपका 5th वन राइट।
तो यहाँ पे 2143 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रही है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ड्रोन को ऐसे कोड किया गया, तो हाउस को कैसे कोड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कोड किया गया है। तो यहाँ पे देखो, ड्रोन है, राइट, यहाँ पे सो आर है, आर से एस यहाँ पे आ गया एंड प्लस वन का आ गया, राइट। आर से यानी 4+1 किया तो ई आ गया यहाँ पे, एंड ओ है ओ का प्लस 3 किया तो 18 आ गया यहाँ पे, एंड ई का जो है प्लस 1 किया यहाँ पे एफ आ गया, एन का जो है प्लस 1 किया 14 का 15 आ गया, राइट। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, तो इसी में हाउस का जो है 15 का प्लस 1 करते 16 आ जाता, 8 का प्लस 1 करते तो 9 आ जाता, यू का एंड 21 का प्लस 3 करते तो 21 का प्लस 3 करते तो 24 का एक्स आता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे का 5+1 किया तो 6 आ गया, एस का 19+1 किया तो 20 का टी आ गया, राइट। इस तरह जो है, इस तरह हमको कोड किया गया, राइट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर, राइट। सो इससे हमारे जो है 25 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। एंड विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।